हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन दिया था आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि पाइथन को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने अपने लैपटॉप या पीसी पे और उसमें कैसे हम पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो फर्स्ट वी राइट पाइथन इंस्टॉलेशन, पाइथन इंस्टॉलेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, इफ़ यू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट देन यू कैन राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन प्रोग्राम्स ऑनलाइन। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तब तो आप पाइथन प्रोग्राम को ऑनलाइन भी लिख सकते हैं आप इसको लिख भी सकते हैं और एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इसमें आप रेपलेट या कोड एकेडमी या कोड VNY एटसेट्रा, इनकी मदद से आप पाइथन प्रोग्राम को ऑनलाइन ही राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ ये आती है कि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि नहीं, इफ़ वी विश टू इंस्टॉल इट ऑन योर ऑन आवर लैपटॉप और आईपैड, अगर हमको अपने पाइथन को जो है अपने लैपटॉप पे या आईपैड पे इंस्टॉल करना है तो हमें करना क्या होगा कि हमें इसको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, और जो डाउनलोडिंग करनी होगी वो हमें अप्रोप्रिएट मतलब अपनी मशीन से कॉम्पेटेबल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट इंस्टॉलेबल फॉर विंडोज और लिनक्स और आईपैड ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम पाइथन ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द मशीन ऑन विच यू आर वर्किंग, आपके पास कई चॉइस हैं, आपको जो है पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर विंडोज़ के लिए अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक, अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए करना पड़ेगा, अगर आप आईपैड पे काम कर रहे हैं तो आपको आईपैड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना पड़ेगा और अगर आप और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फॉर एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो भी कॉम्पेटेबल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, ऑफिशियल वेबसाइट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको www.python.org, यहाँ से जाके आपको ऑफिशियल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहेगा डिपेंडिंग अपॉन योर मशीन, ताकि वो सॉफ्टवेयर आपके मशीन से कॉम्पेटेबल हो और तब आप उसको आपको उसे अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आफ्टर इंस्टॉलेशन इसमें हम लिख सकते हैं कि वंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, एक बार जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपकी मशीन पे तो क्या होगा कि हमें पाइथन इंटरप्रेटर को इन्वोक करना होगा। तो वंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट वी हैव टू इन्वोक, हमें पाइथन इंटरप्रेटर को ऑन करना होगा, चालू करना होगा, स्टार्ट करना होगा या इन्वोक करना होगा, ऐसे कह लीजिए। तो वी हैव टू इन्वोक पाइथन इंटरप्रेटर। अब इसको चाहे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप क्लिक करके उसको चालू कर लें या आप उसको कमांड लाइन पे कमांड दे के चालू कर लें। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको वो इंटरप्रेटर स्टार्ट करना होगा, इन्वोक करना होगा। अब उसके बाद पाइथन प्रोग्राम कैन बी रिटेन इन द फेवरेट एडिटर, अब जो पाइथन प्रोग्राम है वो आप अपने फेवरेट एडिटर में लिख सकते हैं पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको जो भी आपका फेवरेट एडिटर है जैसे VS कोड है उसमें भी आप लिख सकते हैं,
या सबलाइम है उसमें आप लिख सकते हैं, या गेडिट है उस पे भी आप लिख सकते हैं, और या कुछ नहीं है तो नोटपैड पे भी आप अपना पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि विच टाइप ऑफ एडिटर यू प्रिफर, ठीक है। तो इन एडिटर में से किसी पे भी आप अपना पाइथन प्रोग्राम लिख लेंगे। और केवल यही नहीं, इसके अलावा कि पाइथन प्रोग्राम्स कैन बी रिटन इन आवर फेवरेट एडिटर लाइक दिस, अपार्ट फ्रॉम द, इसके अलावा आप पाइथन आईडीई पे, आईडीई या विंडोज के लिए कहा जाता है आइडल, IDLE फॉर विंडोज, इन पे भी आप पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आप कमांड लाइन पे आएंगे प्रोग्राम की, तो ऑन कमांड लाइन वी कैन यूज सर्टेन बेसिक कमांड्स टू नेविगेट थ्रू द फाइल सिस्टम। अब कमांड लाइन पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे कुछ सर्टेन आप कमांड्स दे के फाइल सिस्टम से नेविगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर होम डायरेक्टरी इज होम स्लैश यूजर, वी कैन क्रिएट ए डायरेक्टरी फॉर पाइथन प्रोग्राम एज, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी जो होम डायरेक्टरी है वो ये है, स्लैश होम स्लैश यूजर, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि वी कैन क्रिएट ए डायरेक्टरी फॉर पाइथन प्रोग्राम एज। अब हमें पाइथन प्रोग्राम के लिए डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, हमने कहा कि सीडी दिया, मतलब इससे क्या होगा वो अभी हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। या अभी पहले आपको कमांड लिख देते हैं कि फिर उसके बाद बताते हैं कि किस कमांड से क्या हो रहा है। उसके बाद हमने कहा MKDIR, ठीक है, ये हमने लिखा पाइथन, ठीक है। ये सेकंड कमांड हमने दे दिया MKDIR पाइथन, ये हम सेकंड कमांड दे देंगे, इससे हो जाएगा MKDIR पाइथन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम कमांड देंगे चेंज डायरेक्टरी, ये हमने लिखा CD सॉरी, और ये हमने लिखा पाइथन। इससे क्या होगा कि हम पाइथन डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे कमांड दिया CAT, ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इस पे हमने लिखा हेलो डॉट पी वाई, हेलो डॉट पी वाई। तो ये जो हेलो डॉट पी वाई फाइल है जिसके अंदर हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद हमने ये लिखा प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने लिखा से सपोज कीजिए हेलो वर्ल्ड, और ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड में हमने लिखा पाइथन 3 hello.py, पाइथन 3 hello.py, और उसके बाद फिर हमें वापस अपनी डायरेक्टरी में लौटना है तो हमने दोबारा से कमांड दे दिया CD ... ठीक है। अब देखिए किस कमांड से क्या होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको, जैसे ही हमने सबसे पहले कमांड लाइन पे हमने CD दिया, CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि गो टू होम डायरेक्टरी, क्योंकि CD के आगे हमने कोई डायरेक्टरी का नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब कि ये होम डायरेक्टरी में जाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ हमने समझने के लिए आपको लिख दिया कि गो टू होम डायरेक्टरी, मतलब किसी भी आप डायरेक्टरी में रहें वहाँ पे आप CD दे देंगे और उसके आगे आप कोई नहीं देंगे टारगेट डायरेक्टरी, तो आप होम डायरेक्टरी पे लौट आएंगे। तो ये आ गया आपका होम डायरेक्टरी पे आप आ गए। फिर आपने कहा MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी, और किस नाम से डायरेक्टरी बनानी है, पाइथन के नाम से। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, तो ये हो गया क्रिएट और डायरेक्टरी, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई किसके नाम से, पाइथन के नाम से। फिर हमने अब उस डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है तो फिर से हमने कमांड दिया CD चेंज डायरेक्टरी, और कहाँ जाना है, पाइथन में। तो हमने दे दिया कि पाइथन डायरेक्टरी में आप जाइए, तो हमने यहाँ लिख दिया गो इनटू दैट डायरेक्टरी, ये हो गया इनटू
दैट डायरेक्ट्री, यानी उस डायरेक्ट्री में हम चले गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ इस डायरेक्ट्री में आने के बाद हमने ये कमांड दिया, ठीक है, CAT, और हमने कहा हेलो डॉट पी वाई, और उसके अंदर हमने ये कमांड दे दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब हमने Python 3 हेलो डॉट पी वाई किया, इसका मतलब यहाँ हमने प्रोग्राम रन कराया, तो हमने लिखा रन द पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर, यानी इस कमांड से जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसको रन कराएगा। और फिर जब आप चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट देखें, इसका मतलब कि वापस आप होम डायरेक्टरी में लौट आएंगे, तो कम बैक टू होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी। तो इस तरह से आप पाइथन की डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि पाइथन प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन फाइल टिपिकली विद एक्सटेंशन डॉट पी वाई। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग सी में देखते हैं कि कोई भी आप सोर्स फाइल बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। जैसे फाइल नेम आपने F1 रखा तो F1.C, या फाइल नेम आपने F2 रखा तो F2.C। जैसे C++ लैंग्वेज में आप सोर्स फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट CPP, जैसे F1.CPP या F2.CPP। ऐसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कोई फाइल स्टोर करेंगे पाइथन प्रोग्राम की, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .py, ठीक है। तो जैसे हमने अभी ऊपर जो यूज किया था, तो हमने क्या यूज किया, हेलो डॉट पी वाई यूज किया है ना, तो ये हेलो तो फाइल का नाम हो गया, और डॉट पी वाई जो है वो एक्सटेंशन ये बता रहा है कि ये पाइथन प्रोग्राम की फाइल है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पाइथन प्रोग्राम के जो सोर्स फाइल होती है उसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट पी वाई होता है। अब इस ये जो हमारी हेलो डॉट पी वाई फाइल है, इसको रन कराना है हमें, तो हमें क्या करना होगा कि ऑन ए कमांड लाइन वी कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाई गिविंग द कमांड। ये आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा, आपने क्या लिखा, Python 3, Python 3, और फाइल नेम आपने दे दिया हेलो डॉट पी वाई। यानी अब हेलो डॉट पी वाई के अंदर जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और इसमें एक चीज आपको ये ध्यान देने वाली है कि ये जो आपने कमांड लाइन में ये दिया है, इसमें क्या है कि जो डॉलर साइन है दैट इंडिकेट्स द कमांड प्रॉम्प्ट, Python 3 इज द इंटरप्रेटर। देखिए इसमें क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट आप सब लोग जानते होंगे कि जहां पे कर्सर ब्लिंक करता रहता है, ठीक। तो ये हो गया कमांड प्रॉम्प्ट। पाइथन थ्री क्या है, पाइथन थ्री जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसका नाम है, ठीक। और हेलो डॉट पी वाई क्या है, हेलो डॉट पी वाई इज ए टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग आवर सोर्स प्रोग्राम। तो ये तीन चीजें हो गई इसमें। ये जो डॉलर साइन है ये दिखाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ये दिखाएगा पाइथन का इंटरप्रेटर, और ये हमारी सोर्स फाइल जिसके अंदर प्रोग्राम का जिसके अंदर पाइथन का सोर्स प्रोग्राम हमने टेक्स्ट फाइल है ये स्टोर किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ये तो हमने आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल समझा दिया है कि इस तरह से आप अपना पहला पाइथन प्रोग्राम रन करा सकते हैं, बट देर आर वेरियस थिंग्स, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर, द इंटरप्रेटर नेम में डिफर डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टॉलेशन। तो ये जो हमने Python 3 लिखा है, ये आपके अपने कंप्यूटर में या अलग अलग कंप्यूटर में ये अलग अलग नाम से हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन के टाइम जो है कौन सा नाम एडॉप्ट किया है आपकी मशीन ने, तो उससे परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन विंडोज द इंटरप्रेटर बाइनरी इज नेम्ड पाइथन, मतलब जैसे आप विंडो प्रोग्रामिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, से इफ यू आर वर्किंग ऑन विंडोज, तो Python 3 के बजाय वो केवल पाइथन लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर जो नए वर्जन है पाइथन के, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लेटेस्ट वर्जन है, वो इवन वो बाइनरी नेम को Python 3 या पाइथन की बजाय आप देखेंगे कई जगह पे वो Python 4 भी लिखते हैं, Python 4। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी मशीन पे और इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपका ये जो
पाइथन इंटरप्रेटर है वो किस नाम से वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो इस तरह से आप अपना पहला पाइथन प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग, अगर पाइथन के इंस्टॉलेशन या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।